ठीक है, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है डैमेज कंट्रोल सर्जरी। पर डैमेज कंट्रोल सर्जरी करने से पहले हमें प्राइमरी सर्वे तो बिल्कुल पता होना चाहिए सभी को, क्योंकि प्राइमरी सर्वे के बाद ही हम सर्जरी पे जाएंगे। ठीक है, तो जो ट्रॉमा सर्जन होता है उसका दूसरा नाम होता है डैमेज कंट्रोल सर्जन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फास्टेस्ट सर्जन, जो बहुत रैपिड सर्जरी करे। फास्टेस्ट सर्जन और ट्रॉमा सर्जन क्यों कहा जा रहा है, उसका कारण है अगर ये डिले करता है तो पेशेंट का जान जा सकता है, क्योंकि हमारे पास कुछ गोल्डन आवर्स होते हैं, कुछ पीरियड होता है। अब डैमेज कंट्रोल सर्जरी को समझने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था प्राइमरी सर्वे ए बी सी डी ई हमने कर लिया, तो हम सी पे रुक जाएंगे, सर्कुलेशन पे सी पे रुक गए। ई फास्ट किया हमने, पेशेंट का पॉजिटिव आ रहा है ई फास्ट। अब पेशेंट का ई फास्ट पॉजिटिव है पर उसके वाइटल्स नॉर्मल है, पेशेंट स्टेबल है, बीपी पल्स वगैरह सब कुछ मेंटेन है, तो क्या हमें ऑपरेट करना चाहिए पेशेंट को? अंदर ब्लीडिंग है एब्डोमेन में, ई फास्ट पॉजिटिव है पर वो वाइटली स्टेबल है, क्या ऑपरेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए, उसको हम और स्टेबल करेंगे, देखेंगे, फिर हम सिटी पे भी जा सकते हैं ताकि हम ब्लाइंडली प्रोसीजर नहीं करें। अब दो इंजरी होती है बॉडी में, एक होती है पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, एक होता है ब्लंट ट्रॉमा। पेनिट्रेटिंग मतलब कोई छेद हुआ, एक ब्लंट होता है कि बहुत स्टैब वुंड वगैरह जो भी है किसी से टकरा गए दीवार से, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी नहीं है। तो पेनिट्रेटिंग अगर ट्रॉमा है, गन शॉट वुंड है, ई फास्ट नेगेटिव है, पेशेंट वाइटली स्टेबल है, गोली लगी है पेट में, तो क्या ऑपरेट करना चाहिए? करना चाहिए, है ना, करना चाहिए। पेशेंट को चाकू लग गया, क्या उसका चाकू बाहर निकालना है? नहीं, नहीं निकालना है। अगर चाकू बाहर निकालते थे तो पेशेंट का डेथ हो जाएगा। चाकू क्या काम कर रहा है? एक टैम्पोनाट का काम कर रहा है, तो उसको ओटी जाके निकालना है। वो भी वाइटली स्टेबल है, सब कुछ है, पर उसका हमें निकालना है। अब जैसे हम सूचर लेते हैं, कई बार सूचर लिया हमने, वॉश दे दिया पेशेंट को, यहाँ पे लैसरेटेड वुंड था, तो अब क्या डायरेक्ट सूचर लगा दें? एक्सरे भी करा लिया, एक्सरे कुछ नहीं आ रहा, तो क्या सूचर ले सकते हैं पेशेंट के? हमें पेशेंट का देखना पड़ेगा, ठीक है, अंदर हाथ डाल के। कई बार छोटे कांच के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, मट्टी वगैरह भी निकलती है वॉश देने के बाद, तो अंगली से हम एक बार पूरा ग्लव्स पहन के उसको देखेंगे कि अंदर कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं। मैंने खुद ने निकाल लिया यहाँ पे 15-16 कांच हेड के अंदर से, और इतना छोटा सा लेसरेशन था। पेशेंट से पूछा कोई इंजरी थी, कोई कांच टूटा था, उसने मना कर दिया, तो पेशेंट झूठ बोलता है या उसको याद नहीं रहता है, बताता नहीं प्रॉपर। अब डैमेज कंट्रोल सर्जरी के बारे में बताता हूँ, उसके फेजेस होते हैं, जैसे अपने आज लेक्चर में देखा फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, पर एक फेज फोर भी आ गया है नई स्टडीज के अकॉर्डिंग। तो फेज वन में क्या होता है, इमरजेंसी सर्जरी करते हैं हम, डैमेज कंट्रोल सर्जरी। ये हमको कितनी देर में परफॉर्म करनी है? 5 से 10 मिनट में खत्म करके बाहर आना है, या 15-20 मिनट मैक्सिमम, है ना। तो फेज वन क्या होता है, फेज वन स्टार्ट होता है इमरजेंसी से। जैसे हमारी अभी इमरजेंसी है, यहां से हम पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट वाइटली अनस्टेबल है, ओटी में लेके जाएंगे डैमेज कंट्रोल सर्जरी में। फेज वन इमरजेंसी से स्टार्ट हो गया, जहां से हमने देखा ना वही फेज वन है। ओटी तक ले गए, ओटी में हमने गया देखा, अगर स्प्लीन में लेसरेशन है, स्प्लीन खराब हो गया, तो स्प्लीनेक्टोमी तुरंत करना है। अगर स्प्लीन में कंट्यूजन और माइल्ड लेसरेशन है तो उसका पैकिंग करेंगे। कोई लीवर में इंजरी है तो लीवर का भी पैकिंग करेंगे, सिंपल पैकिंग करेंगे, और एक बगौता बैग होता है और एक पार्थ ड्रेन होती है, वो डाल देते हैं पेशेंट को। तो ये फेज वन है। फिर हम उसका आईसीयू में शिफ्ट करेंगे पेशेंट को। अभी डेफिनेटिव सर्जरी पे नहीं आए हम, सिर्फ उसको इस लेवल पे किया है ताकि पेशेंट का जान नहीं जाना चाहिए। सेकेंड फेज होता है आईसीयू। आईसीयू में चला गया पेशेंट, आईसीयू के बाद आप 2 दिन रखें, 3 दिन रखें, 1 दिन रखें, जब पेशेंट हमें लगेगा कि ये स्टेबल है और सर्जरी टॉलरेट कर पाएगा। कई बार क्या होता है कि पेशेंट का ऐसा कंडीशन ही नहीं कि वो सर्जरी, है ना, 3 आवर्स 4 आवर्स चले वो चला जाएगा, फिर डैमेज कंट्रोल सर्जरी का हमारा रोल होता है। ठीक है, डैमेज कंट्रोल सर्जरी का ये रोल है। फेजेस होगा, फेज वन में हमने इमरजेंसी से शुरू किया, ओटी तक ले गए, ओटी में पैकिंग वगैरह की, बगोता बैग लगाया, एब्डोमेन ओपन ही है, बगोता बैग लगा देते हैं और पार्थ ड्रेन लगा देते हैं। फिर 24-72 आवर्स में जो आईसीयू मॉनिटरिंग हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, एंटीबायोटिक्स चल रहा है, वो है आपका सेकंड फेज। अब थर्ड फेज में होगा आपका डेफिनेटिव सर्जरी। डेफिनेटिव सर्जरी 12 घंटे भी चल सकती है, 10 घंटे भी चल सकती है, 24 आवर्स भी चल सकती है, 4 घंटे भी चल सकती है। फिर इसके बाद फोर्थ फेज बताते हैं कि रिहैबिलिटेशन, वो फोर्थ फेज में नया है, पर बुक सभी 1-2-3 फेजेस ही बता रही है। तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी यही है मेरी, जिसको ट्रॉमा सर्जन बोलते हैं, जो स्पेशलाइजेशन बनाया वो इसलिए है। बाकी आपको क्या है, जैसे ट्रॉमा एंड ट्रॉमेटोलॉजी एंड जनरल सर्जरी, इसमें सारा इंक्लूड है। तो आप भी लैब पोली कर सकते हो ऑफिशियली, अपेंडिक्स निकाल सकते हो, सीजेरियन भी कर सकते हो अगर गाइन नहीं है, न्यूरो के इंटरवेंशन भी कर सकते हो, ऑर्थो के भी इंटरवेंशन कर सकते हो। जो अभी फ्यूचर में जमाना आएगा
उसमें यही रहेगा कि ट्रॉमा सर्जरी प्राइमरी असेसमेंट करेगा, आपका ओपीडी भी रहेगा, आईसीयू भी रहेगा, वार्ड भी रहेगा, सारी चीजें अभी भी यहाँ पे रहेंगे। और इंडिया में अभी न्यूली इंट्रोड्यूस ब्रांचेज हैं, यूएस में जो डेवलप्ड कंट्रीज उनमें ऑलरेडी हैं, तो इसका भी अच्छा स्कोप है, ठीक है ना। तो इसमें एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको एक डायरेक्ट सुपर स्पेशलाइजेशन ही मिल रहा है, है ना, ट्रॉमा सर्जरी का, कि आप जनरल सर्जरी तो कर ही रहे हो और ट्रॉमा सर्जरी भी कर रहे हो। और इसमें यह है कि जो जनरल सर्जन है ना वो ट्रॉमा सर्जन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसका कारण है क्योंकि हाईली एडवांस्ड रहेगा। पुराने जमाने में तो ऐसा होता था जनरल सर्जन सब करता था, उसके बाद ये ब्रांचेस डिवाइड हो गई। पर अब जब ब्रांचेस डिवाइड होगी तो आपको ऑफिशियली कुछ चीजें मिलेगी, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। आप ट्रॉमा सर्जन हो, आप कैथेटराइजेशन भी कर सकते हो, ब्लैडर रिपेयर भी कर सकते हो, यूरोलॉजी के भी प्रोसीजर कर सकते हो, न्यूरोलॉजी प्रोसीजर कर सकते हो, ऑर्थो के कर सकते हो। इन केस जैसे आप हॉस्पिटल में हो अकेले हो तो आपको कोई आके ये नहीं बोलेगा कि तुमने ये क्यों कर दिया, आप एलिजिबल हो सारी चीज करने के लिए। सिर्फ ट्रॉमा का मतलब यही नहीं कि कोई एक्सीडेंट होके आएगा या छत से गिरेगा या कोई असॉल्ट होगा, वो नहीं है मतलब। इसका मतलब है आप जनरल सर्जरीज प्लस ट्रॉमा सर्जरीज दोनों के लिए एलिजिबल हो, और एक वन मैन आर्मी बोल सकते हैं कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हो। जैसे नॉर्मल सिजेरियन करना है वो भी कर सकते हो, अगर गाइनी नहीं है कहीं पे भी आप आउट पोस्टेड जाते हो, आप अकेले सर्जन हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और इमरजेंसी सर्जरीज जो करेगा वो नॉर्मल सर्जरीज को आराम से कर ही लेगा। तो इंडिया में अभी जैसे ट्रॉमा सर्जरी का लोगों को पता नहीं है कि ट्रॉमा सर्जरी क्या होती है, उसका कारण यही है कि जब ये धीरे धीरे ब्रांच ग्रो करेगी, आगे बढ़ेंगे लोग, अच्छा वर्क करेंगे, क्योंकि ट्रॉमा सर्जन मैंने देखे हैं स्किलफुल, जिनको क्या नहीं आता सब कुछ कर देते हैं वो, यूके वगैरह में, ठीक है, सब करते हैं वो, और इतने एक्सपर्ट होते हैं उनका सूचरिंग स्पीड वगैरह। और दुनिया में कुछ ऐसे सर्जन भी हैं जो एक सर्जरी करते हैं कि पूरी दुनिया में इसके अलावा ये सर्जरी कोई करता ही नहीं है। कुछ ऐसे भी सर्जन हैं जो इंडिया में ऐसी सर्जरी करते होते ये एक ही सर्जन है जो ये सर्जरी कर सकता है, स्टेट में भी होते हैं कि इस सर्जरी को कोई और नहीं कर सकता। तो अगर किसी को सर्जन बनने का मन है ना तो ऐसा ही सर्जन बनो कि ऐसी सर्जरी करो जो दुनिया में आपके अलावा कोई और नहीं कर पाए, और दुनिया में नहीं तो कम से कम स्टेट को तो ऐसा नाम कमाओ कि वो सर्जरी आप ही कर सकते हो, ठीक है। कैसा लगा?